लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चार बड़े नेताओं ने पिछले दिनों भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के पीछे इन चारों बड़े नेताओं ने एकमात्र कारण अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस की ओर से ठुकराना बताया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता इन दिनों भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के पीछे सभी नेता ने एकमात्र कारण राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अब उसके गले की फांस बन गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमीनी स्तर पर पूरा चुनाव मंदिर के आसपास ही घूमता नजर आ रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने में जुट गई है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ हो गया है कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को पूरे चुनाव में जोर शोर से भुनाने वाली है। वहीं अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तब भाजपा का हर छोटा और बड़ा नेता अपने हर मन से राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जो माहौल बना है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में भगदड़ मची है, उसके बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं के लाख दवाओं के बाद पार्टी अब तक सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब तक प्रत्याशियों के नामों की ऐलान की जो भी डेडलाइन दे चुके हैं वह सभी फेल हो चुके हैं। ऐसे में अब जब आज से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रदेश में पहले चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है वहां भी कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं होना पार्टी के अंदर संकट को बताया जा रहा है।